नमस्कार माताएं, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप सोमवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप गलती से कर देते हैं और इसका पश्चाताप आपके पूरे जीवन पर भुगतना पड़ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि हमने इसमें यह बताया है कि सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां खुलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको घोर पाप लगता है, आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। भोलेनाथ, जो कि देवों के देव है, वह आपकी घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दें कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए, इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन ना करें ये काम। सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा ना करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनि देव से संबंधित भोजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कत्थई व जामुनी रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बचें, वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दे, क्योंकि हम प्रश्न से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक की बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपको बता दे कि काले वस्त्र न पहने। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है।
इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्यों से बचें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिवजी की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बचें। ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या चोरी न करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, खासतौर पर सोमवार के दिन। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलना, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनाता है। इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित हैं और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन में इनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर सकती हो। चली जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो सोमवार के दिन जरूर करें ये उपाय। भगवान शिव की कृपा से घर आएगी खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं सोमवार के उपायों के बारे में। एक, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शीशा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं, साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। दो, यदि आपको व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास दो सफेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तीन, अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनबन रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं और साथ ही किसी जरूरतमंद को एक कटोरी चावल दान करें। चार, अक्सर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती हैं, ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो इसके लिए आप सोमवार के दिन कुश या कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, उएहरी सोमाय नम। पांच, अक्सर भागदौड़ भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है।
इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में घी का दीपक जलाएं। छे, आपने देखा होगा आपको उस समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते। आपको याद सब कुछ रहता है लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं, तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें साथ। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, उषण शन शिवाय शन शं कुरु कुरु आठ। अगर आप अपने धन्य धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नौ, अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। 10, अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, नम शिवाय। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। 11, अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए।